हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन अमेस्टा। आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ कि हमारा जो बुक है वो हम इसे खोलेंगे कि हमारा जो देखिए इस तरह के इग्नो के बुक्स आते हैं। अब हम इसे अनलॉक करेंगे कि हमारा कौन से बुक्स आए हैं। ये देखिए, ये लैब कोर्स का बुक है, लेबोरेटरी मैनुअल LSE 812 है ये। चलिए अंदर का देख लेते हैं क्या है। इसमें सारे एक्सपेरिमेंट्स दिए हुए हैं। ये टोटली प्रिंटेड बुक है, पर बहुत ही अच्छे बुक्स हैं। ये एक्सपेरिमेंट वाला बुक है जो प्रैक्टिकल हम करने जाएंगे, उसमें ये सारे प्रैक्टिकल्स कराए जाएंगे। सच कहूँ तो मुझे प्रैक्टिकल्स बुक्स ज़्यादा पसंद है एज़ कम्पेयर टू थियोरी। ये बहुत बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत पढ़ने में समझ में आता है चीज़ें, और बहुत ही इंटरेस्टिंग है मैं सच कहूँ तो। और यहाँ पे देख सकते हो, देखो सो वेट क्लॉथ में किया गया है। वेब सर्कुलेशन चेक करने के लिए वेट क्लॉथ है, यहाँ पे पिंस लगाए हुए हैं, और यहाँ पे माइक्रोस्कोप में इन्हें एनालिसिस किया जाएगा। इंटरेस्टिंग ना, वाव, सारी चीज़ें हैं इसमें। अरे इसमें और भी तो बुक्स आए हैं, ये रहे कि और बुक्स हैं जो कि केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट के हैं। देयर इज़ द CHE 11 है, ठीक है। अब इसे भी देख लेते हैं कैसा है। सारे बुक्स जो आते हैं वो प्रिंटेड होते हैं। पर सच मानो बहुत इंटरेस्टिंग होता है, समझ के पढ़ो, इतना नॉलेजेबल है मैं बता नहीं सकती। तो मुझे ऐसा लगता है कि वाओ, आई एम अ ब्लेस्ड वन दैट आई एम इन इग्नो। सच कहूँ तो बहुत सोच रहे होंगे कि अरे इग्नो में इतना हमें प्रॉब्लम होता है एग्ज़ाम्स वगैरह को लेके, बट हर चीज़ की एडवांटेजेस होती है तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी होती है, वो हर चीज़ की होती है। पर इसके एडवांटेजेस तो देखो, अब घर पे रह के पढ़ रहे हो, इससे अच्छी बात क्या है। खुद से पढ़ोगे, सारी बुक्स आप तक पहुंच जाएंगी, अपने नॉलेज को आप बढ़ा सकते हो कितने अच्छे से। कहीं जाने आने की टेंशन नहीं, आराम से बैठो। और ये एकदम मतलब जो स्वयं से हम पढ़ते हैं ना, बिल्कुल उस तरह से इस बुक को बनाया गया है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। अगर आप लोग बस इग्नो के डिसएडवांटेज को देखते हुए गालियाँ दे रहे हो तो ट्रस्ट मी, और अपने बुक्स खोलो, हर रोज़ कुछ कुछ पढ़ो, तब आप भी थैंक्स करने लगोगे। क्योंकि मुझे तो बहुत फ़ायदा हुआ है, मुझे बहुत खुशी मिलती है बुक्स पढ़ के। इतना नॉलेज इनमें से मिलता है ना, कहीं 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 ढूंढने नहीं जाना है। जो भी सब्जेक्ट्स में आपको लो फील होता है ना, बस वो सब्जेक्ट्स आप क्लियरली पढ़ो, वो आप इसमें से एकदम क्लियर हो जाओगे। फिर ऐसा कोई पॉइंट ही नहीं होगा कि आपका बेस क्लियर नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होगा, आपका बेस इसमें एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बस यही था इन्हीं वीडियो में कि CHE 11 L लेबोरेटरी कोर्स के बुक्स आए हैं, और ये हमारे LSE 812 के, तो यही बुक्स, दो बुक्स आए हमारे। थैंक यू सो मच फॉर व्यूइंग माय वीडियो। और अगर आगे भी आप लोगों को ऐसे वीडियोस चाहिए तो ऑफ कोर्स सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आल्सो लाइक। थैंक्स एवरीवन।